तो बात है उस ज़माने की, 1969 में तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था यार। तो वापस है, रीटेक रीटेक। तो यो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए स्टोरी मोड पे, जहाँ पे मैं अपने एक स्टोरी बताने वाला हूँ, एक किस्सा बताने वाला हूँ आपको। जो बचपन में मैंने कांड किया था वो मैं बताने वाला हूँ आपको, कसम से गाइस। आप लोग ना उसको आप लोग पागलपन बोलोगे या फिर मस्ती बोलोगे, क्या बोलोगे आप लोग डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैं कार्ड यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ, बट हाँ उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई कांड इस तरीके से, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, शुरू इतना जल्दी करने का नहीं है, थोड़ा थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी बोल यार, यूट्यूबर का फ़र्ज़ होता है बोलना यार। और तुम सब्सक्राइबर, तुम जो भी व्यूअर्स हो, तुम्हारा हक बनता है कि भाई जो बंदा मेहनत करके कर रहा है, वीडियोस बना रहा है तुम लोगों के लिए, उसको सब्सक्राइब करने का तुम्हारा हक होता है, ठीक है। तो कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि भाई बहुत मन तो कर रहा था वीडियो बनाने का, बट आलस से पता नहीं क्यों हो सा गया था मेरे को, पता नहीं, बट ठीक है ठीक है। अभी आ गया हूँ मैं, आ गया तो इस पर फोकस करते हैं। तो हाँ, तो देखो गाइस, तिरुपति किस किस को पता है, ठीक है। तिरुपति करके एक होली प्लेस है यहाँ पे सदर्न साइड में, ठीक है। तो मैं छोटा था गाइस, नियरली एक सोचो गाइस यार 6-7 ईयर्स का शायद हो सकता हूँ मैं, ठीक है। 5 to 6-7 इस 3 ईयर्स में कहीं होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, इतने 3 साल में कहीं पे भी होऊंगा मैं, 5 to 7 तक ले लो, ठीक है। तो एग्जैक्टली मुझे उतना याद नहीं है भाई एज वगैरह, ठीक है। तो बचपन में हम लोग गए थे पूरी फैमिली गाइस, हम गए थे तिरुपति को, होली प्लेस को, ठीक है। तो जब गया था, हाँ एक और चीज़ बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैं ना गाइस एक बचपन में, मतलब हेलीकॉप्टर जो होता है ना, हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर को गाइस मैं पहले गटर पाई करके बुलाता था, ठीक है। तो बहुत ही फनी होगा, मतलब यार छोटे बच्चे जब रहते तो ठीक है यार, मिस प्रोनाउंस हो जाता है चीज़ें कुछ कुछ, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर को हेकटर पाई बुलाता था, ठीक है। तो किसी को नहीं पता था कि मैं हेकटर पाई करके बुलाता हूँ करके, मेरे फैमिली में ज़्यादा किसी को पता नहीं था, ठीक है। तिरुपति को गए, जैसे हम गाइस उतरे वहाँ पे स्टेशन पे, जैसे उतरे मुझे दिखा हेलीकॉप्टर, भाई मैं हुआ एक्साइटेड, भाई एक्साइटेड। भाई देखो यार, बचपन में मतलब कुछ भी ऐसे चमकती हुई चीज़ या जाती हुई उड़ती हुई दिखे तो भाई अट्रैक्ट होती है, ठीक है। उधर तो मैं देखा हेलीकॉप्टर को, मैं अचानक से बोला भाई, मतलब भाई तो नहीं बोला, भाई निकल गया तो ठीक है। हाँ तो ऊपर देखा भाई, यार फिर से भाई बोल रहा हूँ, हाँ ऊपर देखा, ऊपर देखते ही बोला हेकटर पाई जा रहा है, हेकटर पाई। देन फैमिली में सभी लोग बोल रहे हेकटर पाई, हेकटर पाई क्या होता है। देन मैं हाथ करके दिखाया, वो देखो हेकटर पाई, सभी लोग मिलके हंस रहे थे भाई, लिटरली सब लोग मिलके हंस रहे थे कि भाई हेकटर पाई, हेकटर पाई क्या होता है, हेलीकॉप्टर होता है वो। लाइक मैं भी ठीक है यार, अभी बचपन में था तो बोल दिया हेकटर पाई। तो ये एक भाई, ये कांड होने से पहले एक फनी इंसिडेंट भी मैंने बता दिया, ताकि आप लोगों को लगे कि भाई हाँ कुछ तो मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ कि भाई हेकटर पाई बुलाता था, तो सब लोग मिलके हंसे भाई, ठीक है यार चलता था बचपन में, बोल दिया। हाँ तो उसके बाद गाइस क्या हुआ, स्टेशन पे उतरे हम, कांड वाला इंसिडेंट हुआ, फनी इंसिडेंट। फिर उसके बाद गाइस हम लोगों ने ऑटो बात किया होटल तक जाने के लिए, ठीक है। होटल तक जाने के लिए हमने ऑटो बात किया, ऑटो में बैठे एंड देन गाइस निकल पड़े, ऑटो की सवारी हमारी निकल पड़ी, हम निकलते गए, ठीक है। तो फिर अचानक क्या हुआ कि भाई ऑटो ना थोड़ा अटक गया था, ठीक है, गड्ढे में, थोड़ा छोटा सा गड्ढा था गाइस वहाँ पे अटक गया था। तो ऑटो वाला जो ड्राइवर है वो बोला कि थोड़ा आप लोग उतर जाओ, यहाँ पे ऑटो फंस गया, थोड़ा आप आगे चलते जाओ, मैं यहाँ पे मतलब ऑटो थोड़ा खड्डे से निकाल के आप तक आऊँगा आगे करके, ऑटो वाले ने गाइस बताया, ठीक है। तो ये सब लोग उतर गए, मैं ऑटो में था, तो मुझे तो नहीं पता था कि भाई वो ऑटो वाला बोल रहा है कि गड्ढा में फंस गया ऑटो, मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा आप आगे जाके खड़े रहो, मुझे पता नहीं था, ठीक है। मुझे इन लोगों ने ऑटो में छोड़ के गए, ठीक है, ऑटो में मेरे को छोड़ दिया और उतर के लोग जा रहे थे, एंड थोड़ा मस्ती लेने के लिए ना पीछे मुड़ के बाय 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 करके ऐसे किए, ठीक है, मतलब मेरे को ऑटो में रख के बाय करके जा रहे थे। मैं भी लग भाई मेरे को छोड़ के जा रहे ये लोग, तो क्या हुआ ऑटो चलने लगा, ठीक है, वो लोग बाय बाय करके जा रहे थे एंड मैं ऑटो में था, ऑटो चलने लगा। जैसे ऑटो चलने लगा भाई मैं डर गया, मेरे को लगा भाई ये लोग छोड़ के मेरे को जा रहे हैं एंड ये ऑटो वाला मेरे को लेके जा रहा है। भाई मैं पता नहीं क्या एक्साइटमेंट बोलो या फिर पागलपन बोलो, मैं खुद गया ऑटो से सीधा, समझ रहे हो, 5-6 साल का बच्चा था मैं, खुद गया भाई रनिंग ऑटो से। और मेन चीज़ पता क्या है, खुदना इट्स नॉट बट ठीक है यार, नॉर्मली तो होगा खुदना खुदा, बट वो कांड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, इतना यादगार क्यों है वो कांड, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि यार देखो नॉर्मली खुदना तो ठीक है यार, खुदा होगा तो पैर पे थोड़ा बहुत चोट लगा होगा, रो लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। भाई मेन चीज़ पता क्या है, जहाँ पे मैं खुदा, अगर वहाँ से थोड़ा और भी आगे जाता मैं, लाइक थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, लाइक थोड़ा और आगे जाके गिरा, तो शायद आज मेरे थोड़े बहुत हड्डी टूटे हुए आपको मिलते, या फिर समझ रहे हो भाई, उसके सामने गहरा गड्ढा था, समझ रहे हो भाई।
इतना बड़ा गड्ढा था कि मैं उसके अंदर गया तो निकलना मुश्किल ही था, समझ रहे हो। तो वो इसलिए गाइस ये इंसिडेंट इतना यादगार हो गया ना कि भाई सब लोग परेशान हो गए, फैमिली वाले, ठीक है। जैसे ऑटो निकला मैं खुद गया ऑटो से सीधा, एंड वो लोग भाई दौड़ते आए वापस। अभी क्या पागल है, कैसे कौन खुदता है सामने सीधा, इतना गहरा गड्ढा भाई। लिटरली अगर वो गड्ढे में गिरता होता तो भाई पता नहीं क्या क्या हड्डी टूटे हो गए थे मैच मेरे। मैं वो सोच के गाइस, मतलब क्या ही बोलो यार, मैं पागलपन बोलो या फिर एक्साइटमेंट बोलो, भाई डर बोलो, क्योंकि छोड़ के जा रहे थे वो लोग मेरे को। मेरे को लगा भाई छोड़ के जा रहे हैं, मैं खुद गया लाइक सीधा, मेरे को पता भी नहीं था, मैं कुछ नहीं देखा आगे, लाइक कुछ देखा ही नहीं मैं आगे, ये लोग मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, मैं खुद गया ऑटो सीधा जा। भाई लिटरल यार वो गड्ढे के अंदर गिरा नहीं, बच गया भाई वो तो, शुक्र मानो अच्छा हुआ। गड्ढे के अंदर गिर जाता तो क्या ही सीन होता भाई मेरा आज, पता नहीं आज मैं शायद आप लोगों के सामने फ्री फायर खेलता भी होता कि नहीं, शायद मैं यूट्यूबर बनता भी होता कि नहीं, पता नहीं गाइस। बट ठीक है यार, अभी तक तो देखा यार वो इतना कुछ कांड हुआ नहीं, गिरा अंदर तो गिरा नहीं। हाँ ठीक है यार, मतलब थोड़ा नी पे, जो नी होता है ना गाइस, वहाँ पे थोड़ा सा चोट आया, ठीक है, नॉर्मल सा चोट था, खून वून थोड़ा निकला, बट ठीक है यार। फिर बाद में जैसे तैसे हम होटल पहुँच गए, दर्शन वर्शन हो गया, फिर देन हम निकल गए वहाँ से। तो ऐसा हुआ यार, एक यादगार इंसिडेंट था वो, मतलब बचपन का यार। जो भी हम मिलो दो चीज़ हमेशा याद रखते हैं, ठीक है मेरा, बोलते एक तो है कटर भाई, एंड ये कांड भाई ऑटो वाला कांड। अब यार लोग हंस रहे थे यार मेरे पे, मतलब फैमिली मेम्बर्स ही हंस रहे थे कि पागल है क्या, ऐसे कौन घुसता है ऑटो से। अब बताओ गाइस, आप लोग बताओ, आप मेरी जगह होते हैं, ठीक है, आप बताओ, 5 साल के बच्चे हो आप, एंड आपको पता नहीं है कि आपके मतलब ऑटो वाले की बात ये हुई थी कि भाई खड्ढे में फंस गए, ऑटो निकाल रहे, ठीक है, मेरे को पता नहीं था। फैमिली वाले उतर के जा रहे थे, एंड पीछे मुड़ के मेरे को बाय कर रहे थे, मेरे को लगा ये लोग छोड़ के जा रहे, खुद गया मैं। अब ना इसमें मेरी ना मेरी भी गलती नहीं थी, खुद गया भाई। तो ये हुआ था यार, बहुत फनी इंसिडेंट था भाई। आप लोगों को कैसा लगा ये फनी इंसिडेंट, आप लोग कमेंट करके बोलो कि पागल बनता या फिर डर था, कुछ भी बोलो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हाँ, कैसा लगा ये भाई साहब मेरा कांड बता देना। एंड हाँ, एक और कुछ इंसिडेंट चाहिए स्टोरी मोड 3 तो यार वो भी कमेंट करके बता दो कि भाई हाँ सही लग रहा तुम्हारे थोड़े कांड, मतलब अच्छे लग रहे, थोड़ा और बताओ हमको, और क्या क्या कांड किया है तुमने इतने सालों में। तो ठीक है यार, और भी बता देंगे, और भी बहुत सारे कांड तो हुए हैं, बता ज़रूर दूंगा मैं। बट हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, लाइक भी इस वीडियो को ज़रूर ठोकना है गाइस, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यार बहुत ही फनी इंसिडेंट था कि नहीं गाइस, आप लोग भी बताना। तो ठीक है, तो मिलते हैं आज के लिए गाइस, बस करते हैं। एंड अगर आपको टूर्नामेंट खेलना, ऑक्शन मीनिया चल रहेगा इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे, अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है, जाके जल्दी से रजिस्टर करो, आपको मौका मिलेगा यूट्यूबर्स के साथ खेलने का, क्योंकि यार जो भी कैप्टन हैं यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, तो उनके साथ आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो जल्द से जल्द गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके रजिस्टर कर लो, टूर्नामेंट्स भी आते रहेंगे। एंड कुछ आपको फनी कंटेंट्स चाहिए मेरे तरफ से तो गाइस बता देना, वो भी मैं लाने का आपको ट्राई करूंगा। एंड मैं सोच रहा हूँ गाइस सिर्फ फ्री फायर नहीं, हर कुछ यहाँ पे कंटेंट आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दैट्स मी साइनिंग ऑफ एलएक्सपी लेजेंड, तो मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।